इस वक्त हम लोग मौजूद है नेशनल हाईवे नंबर 1 अल्फा, यानी कि NH1 अल्फा। ये वही हाईवे है जिसको काटने के लिए 25 साल पहले पाकिस्तानी फौज इन चोटियों पर आ बैठे थे। ये वो चोटियां थी जहां पे कि सर्दियों में पोस्ट को वैकेंट किया जाता है। ये वाला जो फीचर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा फीचर तोलोलिंग फीचर है जिसके ऊपर ज़बरदस्त लड़ाई हुई। और आप समझ सकते हैं कि ये रोड है, NH1 अल्फा है, और सामने वो सेना के जो बंकर्स थे, भारतीय सेना के बंकर्स थे, वो वहाँ पे बैठ गए और उसके बाद से लगातार वो यहाँ पे शेलिंग कर रहे थे। और उसी फीचर के साथ में बिल्कुल वो कॉनिकल फीचर आप सामने देख सकते हैं, वो है टाइगर हिल। वो लगातार वहीं से ये लोग इस नेशनल हाईवे नंबर 1 अल्फा, जो कि आप देख सकते हैं कि नीचे तक पूरा रास्ता ये नेशनल हाईवे 1 अल्फा है, जो कि श्रीनगर को सीधा जोड़ता है लेह से। और ये इकलौता रास्ता है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और इस रास्ते की दुश्वारी सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे बीच में एक ऐसा पास आता है जिसका नाम है जोजिला पास, जो कि साल के 4 से 5 महीने बर्फ़ के चलते बंद रहता है, जिसकी वजह से आवाजाही नहीं हो पाती है। उस वक्त यानी 25 साल पहले भी इस तरीके की दिक्कतें पेश आई थी। उसके बाद से ये तय किया गया कि कई सारे ऐसे ऑल वेदर टनल और स्ट्रेटेजिक रोड्स की प्लानिंग हुई, जिसमें 73 के करीब ऐसे रोड्स और टनल को आइडेंटिफाई किया गया। और उसके तहत कोशिश यही की गई कि किसी तरीके से लद्दाख और जो बाकी का देश का हिस्सा है उसको जोड़े रखा जा सके। और उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट आए, जिसमें कि जोजिला पास, क्योंकि जोजिला पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट पास है जो कि इसी रास्ते में काफ़ी दूर जाकर मिलता है। वहाँ अब एक जोजिला टनल बन रही है जो कि लगभग पूरी होने के कगार पे है। तो वो एक कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी भारतीय सेना को भी मिलेगी, सीधा कनेक्ट मिलेगा। और उसके बाद दो और ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने देखा 2020 में जिस तरीके से चीन और भारत के बीच विवाद शुरू हुआ पूर्वी लद्दाख में, उसके बाद मोबिलाइजेशन बहुत तेज़ी से किया गया। और वो इस वजह से हुआ क्योंकि पिछले 25 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में भी। और यही वजह है कि हम लोगों ने जिस तरीके की सीखा उसमें हमने कोशिश की कि लद्दाख को कई अलग अलग जगह से जोड़ा जा सके। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है नीमू पदम धारचा जो एक्सेस है, जो कि हिमाचल से सीधा जोड़ता है लेह को, यानी कि नीमू पे जाके रुकेगा। वहाँ पे एक बड़ा पास है जिसका नाम है सिंकुला। वो सिंकुला पास एक ऐसा पास है जहाँ बहुत जो स्नो लाइन है बहुत नीचे है, भयंकर बर्फबारी वहाँ होती है, और उसके साथ ही वहाँ एवलांच बहुत ज़्यादा आते हैं। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा स्पॉट ऐसे हैं जो हम जहाँ पे कि एवलांच आते हैं, जिसकी वजह से उस पूरे पैच को, उस रूट को ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जा सका। तो अब एक उस पास पर एक जो टनल है वो तैयार की जा रही है, तकरीबन 4.5 किलोमीटर की टनल है लंबी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका पहला ब्लास्ट करेंगे। यानी कि अब भारत में वो तकनीक है जो कि 15,000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर कोई टनल को बनाना हो तो विदेशी मदद की ज़रूरत नहीं है। वो भारतीय जो आर्किटेक्चर है या भारतीय इंजीनियरिंग है उसका एक नमूना है कि वो इस हाइट पे भी बना सकते हैं। तो अब जब ये टनल बन के तैयार हो जाएगी तो उसके बाद जो लद्दाख को जोड़ने वाली जो अगर हम लोग बात करें बाकी देश के हिस्सों से जोड़ने के लिए, जो अभी तक सिर्फ 2 ही रोड होते थे, एक हिमाचल से लेकर लेह तक जोड़ती थी और दूसरा ये कारगिल वाला जो पैच है जो कि NH1 अल्फा जिसको कहा जाता है, ये 2 रूट हुआ करते थे। अब दोनों में, क्योंकि एक में जो अटल टनल बनाई जा चुकी है जो कि अब वो आसानी से वहाँ से मूवमेंट होता है, और अब एक टनल यहाँ पे भी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब एक और जो तीसरा जो रोड है वो अब मिल जाएगा, उससे सेना की मूवमेंट 2400 घंटे 12 महीने चलेगी। यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली है कि कभी दोनों फ्रंट, यानी कि अगर पाकिस्तान और चाइना एक साथ भी सामने आते हैं तो दोनों फ्रंट को आसानी से टैकल किया जा सकता है। जो है वो इतनी स्पीड हो जाएगी कि दिन रात 24 घंटे किसी भी वक्त आप आसानी से मूव कर सकते हैं। पर्यटन बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही जो सामरिक ताकत है उसमें इजाफा होगा। तो एक बार फिर से इन चोटियों को आप देख सकते हैं, ये वही चोटियाँ हैं जो 25 साल पहले इन पर गदर मचा था। भारतीय सेना ने इन चोटियों से उन जो आतंकियों के भेष में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो जवान थे उनको मार भगाया था, और उनका फोकस सीधा इस रोड पर था ताकि इस रोड को काट दिया जा सके और पूरी तरीके से लद्दाख को जम्मू कश्मीर या भारत के हिस्से से अलग कर दिया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया, और अब तो कतई नहीं होने दिया जा सकेगा, क्योंकि
पूरी तरीके से ऑल वेदर रोड्स और टनल का जाल बिछाया जाना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में ये देखना होगा और ये देखेंगे सब कि किस तरीके से लद्दाख देश के पूरे हिस्से से जुड़ जाता है पूरी तरह से 12 महीने जो कि अभी तक सर्दियों में कटा रहता था।